नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। धारा 370 के कश्मीर से हटने के बाद लगातार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जुबानी जंग जारी है। इमरान खान और उनके मुल्क के लोग पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान को कभी परमाणु युद्ध की धमकी देते हैं तो कभी कश्मीर को लेकर अपना हमदर्दी दिखाते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी इमरान खान के लिए जी का जंजाल बन चुके हैं। आतंकी फैक्ट्री चला रहा देश आज अपने ही सैनिकों को लेकर भेदभाव का दोहरा चरित्र उजागर कर पूरे देश को बता दिया कि कंधे पर सर रखकर बंदूक तो मैं चलाऊंगा लेकिन मृत्यु के बाद कफन तक नहीं दूंगा। पाकिस्तान अपने ही सैनिकों के साथ भेदभाव करता दिख रहा है। असल में पाकिस्तानी सीमा पर मारे जाने वाले पंजाबी मुस्लिम जवानों के शव तो ले जाता है लेकिन पीओके या अन्य हिस्सों में रहने वाले जवानों का शव लेकर नहीं जाता। जम्मू कश्मीर के हाजीपुर सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दो सैनिकों को मार गिराया। दरअसल पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन किए जाने के बाद भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए इन पाकिस्तानी सेनाओं को मार गिराया। मारे गए अपने सैनिकों के शव ले जाने के लिए पाकिस्तानी सेना सफेद झंडा लहराते हुए आए और शव ले गए। उनके हाथ में सफेद झंडे हैं, वो एक पहाड़ी के नीचे उतरते हैं और दो शव को लेकर जाते दिख रहे हैं। जिन शव को वो ले जा रहे हैं वो पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। ये पंजाबी मुसलमान हैं जो पीओके के हाजीपुर सेक्टर में 10 और 11 सितंबर को मारे गए थे। पाकिस्तानी सेना ने इनके शव ले जाने के लिए भारतीय सेना से अपील की थी। सफेद झंडे अपने हाथ में लेने का मतलब ये होता है इसी बीच कोई फायरिंग नहीं होगी। पाकिस्तानी सेना पंजाब मुसलमान सैनिक को शव तो ले जाती है लेकिन पीओके और दूसरे हिस्से में मारे गए सैनिक का पाकिस्तान नहीं ले जाता। उनके शव ऐसे ही लावारिस छोड़ दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह घटना 30 और 31 मार्च को केरन सेक्टर की है जब भारतीय सेना ने घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया था लेकिन पाकिस्तानी सैनिक अपने ही साथियों का शव नहीं ले गई। केरन सीमा पर पाकिस्तानी आर्मी के अटैक को नाकाम करते हुए पाकिस्तान के कम 5 से 7 सैनिक मार गिराए थे। पाकिस्तान इन सैनिकों का शव लेकर नहीं गई, उनके शव वहीं पर पड़े रहे। हालांकि सेना ने इन शवों की सैटेलाइट तस्वीरें भी ले ली और पाकिस्तान से कहा कि वे अपने जवानों का शव ले जाए लेकिन पाकिस्तान जवानों का शव नहीं ले गया। पाकिस्तान के इस दोहरे चरित्र को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो दर्शक एचसीएन न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।